काल गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2024 के चुनाव को लेकर लोगों से जानेंगे क्या कुछ माहौल चल रहा है। एक तरफ भाजपा है जिससे प्रदीप चौधरी यहाँ पर प्रत्याशी है, दूसरी तरफ सपा गठबंधन से इकरा सेन है, और वहीं पर बसपा से ऋषिपाल राणा जी है। तो लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है गाँव में। जो ऐसा क्या नाम है जी, क्या माहौल चल रहा है गाँव दर गाँव? इलेक्शन 20 दिन रह चुके हैं बस। ये हमारे यहाँ तो भाजपा का प्रदीप चौधरी जो इकरा सेन में क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत कुछ नहीं का दूर के पार के नेता है, और हमारे यहाँ तो अभी ये घटना ऐसी हो गई थी जी, हम कराना चले गए, हमारे को पैसा का पता लगा तो वहाँ के लोग तो रास्ता बताते हैं, लोग आएंगे अंडे में इस गाड़ी का सिस्ता ना खोल लियो। अच्छा हाँ, किसी को सिस्ता खोल कर रास्ता ना पूछ लियो। वहाँ का माहौल तो ऐसा, हमारे इधर तो साफ सुथरा माहौल है, शांत माहौल है बिल्कुल। पिछले 5 साल तो लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। बसपा से राणा जी है तो उनका क्या कुछ रहेगा? बसपा से किसी और का टिकट होता और बढ़िया होता, राणा का मरा मेल नहीं खाता जी। क्यों, क्या बात हो गई? ऐसे मायावती ने तो आशीर्वाद दिया, उन्हें टिकट दिया है। मायावती ने उन्हें टिकट दिया, आशीर्वाद दिया। अगर जो किसी और उसमें होता टिकट, हमारी बिरादरी से होता तो और भी अच्छा होता। अच्छा अच्छा, अब ये देखो आप, सबीरपुर में झगड़ा हो गया था, राजपूतों और चमारों का झगड़ा था, सारी भरपाई चमारों को करनी पड़ी। हमारी रिश्तेदारी है सुबह खेडी, हमारे का लड़का गुजर गया था वहाँ से। तो इन बातों, यही बातें हैं, लोग चुनाव के टाइम पर सारी बातें याद रखे हैं, सारी बातें याद होंगे। तो वो बातें याद है, तो मायावती ने उस वक्त ये सोचा नहीं कि टिकट देते हुए मैं क्या कर रही हूँ ऐसा। मैं देखो बात सुनो, लीडर अच्छे हैं, उनके फैसले का स्वागत ही लोग करें। हमारा अच्छे समाज सारा का सारा हमेशा बसपा को वोट करता है, और इस बार भी हम बसपा के साथ रहते हैं, थोड़ी फेरबदल ही है, कंडिडेट हमारे मन मुताबिक नहीं है। अच्छा अच्छा, उनको भाजपा ही साथ है। तो अब की बार क्या लग रहा है, तो एससी समाज किस तरफ चल रहा है? एससी समाज वहाँ वोट दे, मोमेंटम कैंडिडेट को हम स्वीकार ही नहीं कर लेंगे। अच्छा हाँ, तो पिछली बार ये हमने भाजपा को वोट करा, हमने 5 साल बढ़िया कटे। अच्छा अच्छा, तो भाजपा के राज्य में ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया, अच्छा राशन मिल रहा, अच्छी मेडिकल सुविधा मिल रही, साफ सुथरी सड़क है, सड़क देख लो हमारे यहाँ की। अच्छा, सड़क कितने बनवा दी है? प्रदेश चौधरी ने बनवाई, काम काज बढ़िया, काम काज बढ़िया। जी भाई साहब, मायावती से गलती होगी क्या, टिकट गलत दे रहे क्या? गलती तो खैर हो जी, देखो हम तब तक मायावती के साथ ही थे, लेकिन अब की बार हम मायावती के साथ नहीं है, भाजपा के साथ है। 5 साल क्या मेरे ख्याल में 10 साल लगभग हो गए, बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हम तो, कई राशन कोटा मिल रहा हमें, और जी पेंशन मिले, किसान निधि में जो तो वो मिल रहे, हर चीज़ सरकार की योजना है जो तमाम मिल रही है, मिल रही जी। तो मायावती जी ने जो टिकट है वो ऋषिपाल राणा की अलग जगह किसी और को देना चाहिए था क्या? हाँ, किसी और अच्छी बात है। अच्छा, और अब जो लहर के साथ है जी, देखो भाजपा के साथ है उसे तो 5% क्या कह रहे थे जी, समाज का वो है उसके, समाज के भी 5% वोट देने का धोखा सिर्फ चमारों को देना। अच्छा, विधानसभा के चुनाव में वो खड़ा था, क्या नाम उसका, साहिल खान को सिर्फ चमार चमारों ने वोट दी थी, किसी मुस्लिम ने वोट दी थी। हम ऐसे सुखे पनाट हैं, उसका आज तक जम्बड़ी जम्बड़ है, इस जम्बड़ हम रहना नहीं चाहते। हम तो मोदी जी, योगी जी हैं, सिद्धि बात है, प्रदीप पूरी जानते हैं। तो मोदी योगी के काम से खुश हो? खुश हैं बिल्कुल। हमें सुरक्षा चाहिए, दिक्कत की है सरकार में, जो बदमाश है गुंडा है, जो डकैती मारेगा, जो जुत्ता मारेगा उसे दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बसपा ने टिकट सही नहीं दिया, तो समाजवादी को देख लो, गठबंधन से करा दिया। तो बसपा का क्या होगा, आपके दम पे तो टिकट लगते हैं लोग। बसपा मान लो जो पहले बसपा का जो जनाधार था, मान लो उसके आधार पे जब जो कम हो गया ना बहुत, मान लो तो सरकार तो बनती नहीं, मान लो फिर क्या फायदा, फिर वोट बेकार क्यों करें, सरकार के साथ ही चलने से अच्छा तो सुरक्षित तो है जी। भाई साहब एक बात है, टिकट गलत जगह चला गया आपकी बार, तो वोट कहाँ जाएगी फिर आपकी बार? समाज के रायपुर में उसके समाज के आदमी चमारों का ना तो बैठ बजन के अशोक तो उसकी गेंदे लग रहे हैं, मैं खुल्ला में खुल्ला कहूँ, खाना एंड कंपनी, खाना एंड कंपनी जो है वह वहाँ नेट डीजे बजाने दे, नचमारों का जयंती लिखन दे, बार बार रायपुर का जाकर इंटरव्यू कर लो, जो उसे राजपूत तोड़ दे, हमारे आज तक रविदास जयंती नहीं लिखे थे भाजपा सरकार, हमारे यहाँ जयंती हम बसपा में भी रह के देखे बहुत साल तक रहे, आज तक हमारी कोई परमिशन नहीं हुई, हमारी जयंती बीच में रोक दी गई, लेकिन भाजपा के साथ मिलकर हमें परमिशन भी दिलाई, और बढ़िया तरह से चाणकपुर में मुकेश चौधरी ने खुद निकलवाई। अच्छा अच्छा, तो भाजपा राज्य में ठीक ठाक काम कर रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, खुश है, नाच भी मिले। आप कह रहे हो काना राणा उधर वोट देंगे भाजपा, वो तो भाजपा का विरोध कर रहे लगातार, वो चक्कर कर रहे हैं, हमें पता है इतनी बुद्धि में आएगी, मैं कह रहा ना उसके साहिल खान के इलेक्शन में हमारा चूतिया बनाएगा, आज हमारा वोट दे दी हर बार, वो 55,000 हमारी लिख दी, और अपना वो चक्कर हर सारी तो उम्र चक्कर रह गए,
हमारे बड़ी चलता है तो अब समझ गया बिल्कुल बिल्कुल समझ गया पागल नहीं खुल गया जी राहुल जी क्या कुछ लग रहा है चुनाव का क्या चल रहा है मजा नहीं आ रहा ना मजा नहीं आ रहा क्या रे सुरक्षा मिल ली मुझे ठंडी बैठ का कौन कोई एक तरफ बसपा एक तरफ भाजपा एक तरफ समाजवादी भाजपा हम तो नाम मेरा जगपाल सुनो बख्तवर गाँव बैसारी इस्लामपुर जिला शामली हमारे जो है हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय सुरेश राणा जी हाँ विधानसभा में उनके साथ रहे और लोकसभा में भी उन्हीं के साथ रहे। अच्छा अच्छा ठीक ठाक चला यानी भाजपा का बढ़िया। अच्छा जी भाई साहब क्या कुछ लग रहा है आपकी बार इधर का तो जी जाट समाज से हैं भाजपा को वोट देते हुए आए। अरे आपका समाज तो लगातार खिलाफ आया भाजपा के आपके वोट देते आए समाज खिलाफ आया वो चवन्निया ठंडी बनते रहे चवन्निया ठंडी भी लगी। अच्छा अरे कल तक तो विरोध कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे अब कौन कर रहे थे विरोध सारे जाट तो धरने पे थे कभी किसानों का पेमेंट चलता ही रहे जी मतलब सब तो एक जगह नहीं होते। अच्छा बाकी विरोध करने वाले भी हो वैसे भी हो तो आप देख रहे हैं सरकार कैसे इतनी खुशहाली से पहले भी बनती आई अब कभी बनेगी। अच्छा जयंत चौधरी जी अब आ चुके हैं भाजपा के साथ ही हाँ। तो फर्क भी पड़ेगा इधर या जाट नाराज ही रहेंगे नहीं जयंत जून को नहीं हम जानते आज मोदी को जाना है जाटों के मसीहा तो जयंत चौधरी है मसीहा कुछ नहीं रियासत में मिली हुई और अब रियासत में खेती काटी है तो ठीक ठाक रहेगा भाजपा का ठीक रहेगा भाजपा से ठाकुर नाराज थे तो मायावती ने टिकट उन्हें दे दे ठाकुर भी आ जाएंगे दलित भी आ जाएंगे इकट्ठा हो जाएगा काम मारे आने होता और बाकी क्या कह रहे थे मारे आने होता और बाकी जगह ही हो सकता है हमारे यहाँ है इस साल हो सकता है लेकिन आपके समाज को लगातार कह रहे हैं कि मायावती के साथ तो लगा मत है 50 साल तो शुरुआत अब की बार नहीं आई पहले थे अभी पिछली बार हमने देख लिया 55,000 का काल भी 55,000 तो मिलने के बाद मायावती की तो मायावती देखने दी आप की तरह बिल्कुल भी बस्ती में देख रही हूं क्या कोई दिक्कत देख रही होगी हम कह सकते लेकिन हम अपना ध्यान ऊपर रखेंगे आया आया जी भाई साहब मायावती बिल्कुल देखने दी आपके समाज बहन हमारी मायावती पार्टी के हमारे सभी विधायक थे सभी पार्टी से हमारे जो समाज के थे अब अजब सिंह ने परसों पार्टी से छोड़ने की घोषणा कर दी ठीक है जी जगपाल जी ने पार्टी छोड़ दी थी जो हमारे अपने समाज के ऐसे समाज से जो विधायक थे उन्होंने वही तो पार्टी से निकाल दिए गए तो आज इसका जो हमारा वो है कि अब हमने सोच समझ कर वोट करना शुरू कर दिया हम समाज हर समय के साथ चलने में ये हमारी भलाई है तो चंद्रशेखर भी तो मैदान में कर रखे हैं चंद्रशेखर का टिकट होता है यादव से वोट देते चंद्रशेखर की भाई चंद्रशेखर को अखिलेश यादव ने लखनऊ बुला विधानसभा के चुनाव में बुलाया था वहाँ से बैठा है वो अचल वो राजभर वो भी रोया बैठ कर बेचारा उसकी बेइज्जती करके गड्डी बेईमान ने उसे बेईमान ने ये प्रश्न कहा जो नगीना था लड़ा हुआ चंद्रशेखर को एक ट्रेन का टिकट काट कर अपना वसूल दिया हम लोग गए चंद्रशेखर भाई को अकल का रकम विधानसभा में तुम इंडिया वालों ने पता वहाँ बैठकर होया था मैंने इसमें मिलने का मना कर दिया अब की बार भी कह रहे थे लेकिन ऐसे लड़ाएंगे एंड टाइम पे टिकट हम ये तो कहें बहन जी को हमको राजनीति समझ क्या राजनीति तो समझ चुके हैं कि बिल्कुल कि अब की बात तो भाजपा भाई हम तो बातों का और टेलीग्राम तो पानी की गंगा की डम होता है जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी मैं मीडिया देखता हूँ पूरी दुनिया जानती है सब बच्चे बच्चे ने पता वो क्या दुनिया उसके विदेशों में नाम है उसका मोदी के दीवाने हैं तो
मोदी के दीवाने यार, पहले तो मायावती के दीवाने थे, बस वक्त के साथ साथ एक बात है, ये मेरे को कहनी थी। मानने बहन जी, जो संविधान में बाबा साहब ने लिखा उसका समर्थन करती है, तीन तलाक का भी करा, सारी चीज का समर्थन करती है, 370 का भी करा, और करे ना करे, जिस दिशा में देश बढ़ेगा और देश की तरक्की होगी, मान्य बहन जी समर्थन करती है, कोई भी पार्टी। तो कह रहा ना का इस बार क्या लग रहा है रुझान, अब की बार रुझान प्रदीप चौधरी, मैं प्रदीप चौधरी, मैं पहले कह दिया प्रदीप चौधरी, मैं मेरी अपनी जैसी सोच है, मैं तो मोदी का पक्का जी भाई साहब। लेकिन इकरा भी कह रही है कि आपके समाज का वोट तो उनके साथ भी जुड़ रहा है, इकरा वो मोमडन कैंडिडेट को चमारने का भी वोट नहीं करा कभी भी, अखिलेश को तो कराई नहीं, समाजवादी सरकार में कभी भी किसी चमार ने वोट नहीं करा, समाजवादी, ये सच्चाई है, चमार वोट या तो बसपा को देगा या अब मजबूरी भाजपा, मजबूरी बन गई कैंडिडेट की वजह से, कैंडिडेट की वजह से भी, और समय के साथ साथ चलना चाहिए आदमी। अब देखो हमारे यहाँ से जयंती का प्रोग्राम था पिछले साल, चलाकपुर पड़ता है हमारे यहाँ से, चलाकपुर में झगड़ा होगा था मुसलमानों का, मुसलमानों ने जयंती निकलन दी थी, इस बार ये हमारे विधायक ने, हमारे विधायक प्रदीप चौधरी ने, सांसद विधायक मुकेश चौधरी, प्रदीप सांसद जी ने खड़े होकर जयंती निकल, वही रह गए, मौजूद रह गए। हमारे यहाँ छोटा सा गाँव है, तकरीबन सैकड़ों पुलिस वालों ने हमारे यहाँ खड़े हुए गए, जयंती निकल, वही रास्ता बंद कर दिया, तो कहते थे पहले यहाँ शोभा यात्रा निकलेगी उसके बाद रास्ता चलेगा, हमारे लिए सरकारों में क्या होता था पहले की सरकार में, सड़क दूध ली, हमारे सारे विधायक हमारे अपने थे, अपनी पार्टी से थे, हमारी पार्टी सत्ता में थी, तब हमारी जयंती निकली, तब हमें इतना अधिकार नहीं था कि हम अपने गुरु जी का जन्मदिन भी शोक से मना सके। तो आज भाजपा के राज में सुख शांति है, सुख शांति मजा आता है जी भाई साहब, क्या हो जाता था पहले जयंती निकालने देते थे, बंद कर देते थे बिना परमिशन के, अगर हम निकाल लेते तो बिना बसपा सरकार में भी ऐसा होता था, सत्ता में आपके साथ विधायक सांसद मुख्यमंत्री आपकी तब भी नहीं बनी जी, चौधरी है ये हमारे साथ मिलकर देख कर हम तो गाँव जाट भी है चमार रहे हम तो चमार नहीं मानते हमारे गाँव जाट है और भाई चक्का देख कर मान रहे हैं इन तो बहुत खुश हैं बढ़िया चल रहा भाई बढ़िया भाई चल रहा भाई अच्छा अच्छा जी ताई जी क्या कुछ लग रहा चुनाव का मायावती जीतते कि नहीं मायावती अब कह रहे टिकट गलत दे दिया भाई यार कह रहे टिकट गलत दे दिया अब की बार मायावती का ठीक ठाक रहेगा इधर ठीक रहेगा भाई अरे कह रहे वो तो क्या खराब हो जाए माहौल इसमें सरकार में ठीक ठाक माहौल चल रहा भाजपा की सरकार में इसमें कुछ नहीं मिल रहा क्या ना कुछ नहीं मिल रहा।